हमारे यहाँ पे अफगानी ग्रेवी बेस्ट होता है और चिकन चंगेजी बेस्ट होता है, फेमस जो आइटम है, इसके वजह से यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ खाना खाने। हमारे यहाँ का फेमस आइटम चिकन चंगेजी है, कढ़ाई चिकन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खाया जाता है, बटर चिकन भी बहुत ज्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ। और देखो तो कितना बढ़िया तरीके से मैरिनेट किया हुआ, कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ये है इनका मैरिनेटेड अफगानी चिकन, और ये देखिए ये आ गया ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रीम डल चुकी है। तो आपके अफगानी चिकन में से क्या खास बात है? अफगानी ग्रेवी में हमारे यहाँ पर काजू मगज डलता है, इसकी ग्रेवी बनती है, बटर डलता है। तो आज इन डेट में लेगी टीम आगे गांधी रोड देहरादून में। तो यहाँ पे काफी फेमस शॉप है दून दरबार, और मैंने सुना है यहाँ पे काफी ज्यादा नॉन वेज आइटम्स मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मेकिंग देखते हैं और इनके वेज नॉन वेज आइटम्स ट्राई करते हैं। यहाँ पर आइटम बहुत सारे आइटम हैं, चिकन में ग्रेवी में चंगेजी है, बटर चिकन है, कढ़ाई चिकन है, काली मिर्च कोरमा स्टू चिकन में है, अफगानी ग्रेवी है। यहाँ के बहुत सारे आइटम फेमस भी है। हमारे यहाँ का फेमस आइटम चिकन चंगेजी है, और कढ़ाई चिकन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बटर चिकन भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है हमारे यहाँ पर। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हमारे यहाँ खाना खाने। हमारे यहाँ पे अफगानी ग्रेवी बेस्ट होता है और चिकन चंगेजी बेस्ट होता है, यहाँ का फेमस जो आइटम है, इसके वजह से यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। सुबह मॉर्निंग में 11 बजे खुल जाती है और इवनिंग 12 बजे तक रहती है। ये 43 गांधी रोड इनामुल्ला बिल्डिंग है, तहसील चौक पास में है। किली में अफगानी लगाएंगे, बहुत अच्छा करके बना के खिलाएंगे आपको, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये है इनका मैरिनेटेड अफगानी चिकन जो कि अभी तंदूर में जाने वाला है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी लग रही है इसकी। तो भैया कितनी देर रहेगा इसमें? 5 से 10 मिनट रहेगा। 5 से 10 मिनट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो पक चुका है यहाँ पे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ। दोस्तों क्रीम डल चुकी है, मक्खन डल चुका है। तो इसका प्राइस क्या रहता है? 350 रहता है इसका। हाफ प्लेट 6 पीस आते हैं और फुल में 12 पीस आएंगे, 650 का फुल है। तो इसको बहुत ही बढ़िया से अच्छे से ग्रेवी मिक्स कर रहे हैं। तो जो इनकी ग्रेवी है वो बाकी जगह से काफ़ी डिफरेंट रहती है, और इसी का इनका टेस्ट है। ये खुद के मसाले यूज़ करते हैं इसमें। और ये देखिए ये आ गया ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम। तो फाइनली यहाँ पे अफगानी चिकन लग चुका है। तो आप देख सकते हो ये है इनकी हाफ क्वांटिटी अफगानी चिकन की, और ये है इनकी रुमाली रोटी, और साथ में इन्होंने थोड़ा सा मुझे सैलेड दिया है, और ये है इनकी ग्रीन चटनी। एक दो पीसेस डाल लेते हैं इसमें। ये आगे मेरे फेवरेट लेग पीस। तो इनके अफगानी चिकन की खास बात ये है कि ये एकदम इसको ड्राई फ्रूट में बनाते हैं, और आप देख सकते हो इन्होंने ऊपर से ड्राई फ्रूट भी सर्व किए हुए हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया लगा। ये है इनकी रुमाली रोटी जिसको ये बहुत ही अलग तरीके से बनाते हैं। तो इनके अफगानी चिकन में इन्होंने बहुत ही अच्छे से मसाले लगाए हुए थे, बहुत ही अच्छे से इसको मैरिनेट किया हुआ था, और तंदूर में बहुत ही अच्छे से पका के ड्राई फ्रूट्स की ग्रेवी में बहुत ही अच्छे से कुक किया है। तो उनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो इनका अफगानी चिकन देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जूसी है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे तो मज़ा आ गया इनका चिकन खा के। तो अगर आप भी देहरादून में रहते हो और अगर आपने दून दरबार का ये अफगानी चिकन दिखाया, तो इनकी ये ग्रेवी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो मैं इसको जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।